हाय फ्रेंड्स, सनीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं अपाल की स्वीट डिश लेकर आई हूँ। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आइए मैं आपको इसकी सामग्री बता दूं। अपाल बनाने के लिए हमें चाहिए है एक कटोरी सूजी या रवा, मोटा या बारीक कोई सा भी ले सकते हैं, और एक कटोरी शक्कर। अगर हमने एक कटोरी रवा लिया है तो एक कटोरी शक्कर लेना है और एक कटोरी दूध लेना है, दूध या पानी। मैंने दूध लिया है, तीनों का अनुपात बराबर रहेगा। और ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कुछ, आधा कटोरी काजू बादाम और किशमिश, इसे मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, ये ऑयल लिया है तलने के लिए। हमने एक बर्तन ले लिया है और गैस ऑन कर दिया है। ये जो दूध है एक कटोरी हम ये डाल देंगे और इसमें शक्कर भी डाल देंगे और हम लगातार चम्मच चलाते रहेंगे दूध उबलते तक। देखिए दूध में उबाल आ गई है, अब हम इसमें ये सूजी डाल देंगे और जल्दी जल्दी मिलाते रहेंगे ताकि लम्स ना रहे। देखिए हमें 4 से 5 मिनट लगा है इसे पकाने में। बहुत अच्छे से ये सूजी दूध के साथ में और शक्कर के साथ पक चुकी है। हम इलायची पाउडर, फ्लेम हमने कम कर दिया है, नमक, और ये ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ढक कर 2 मिनट इसे रख देंगे। देखिए थोड़ा ये अब ठंडा हो गया है, अब हम इसे खोल लेते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए हमने ठंडा करने के लिए इसे थाली में फैला लिया है और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी पूरियां बनाएंगे। ठंडा हो चुका है, देखिए ठंडा हो गया है, हमने एक बॉल में रख लिया है और इसे हम थोड़ा घी लगा देते हैं ऊपर से और इसकी लोइयां बना लेंगे पूरी के बराबर छोटे छोटे। देखिए हाथ में हमने घी लगा लिया है और इससे ये लोइयां बना लेंगे। देखिए हमने यहाँ भी थोड़ा पट्टे में घी लगा लिया है, अब हम इससे पूरी के साइज का और पूरी के बराबर मोटा, थोड़ा पूरी से ज्यादा मोटा रखेंगे। ऐसे छोटे छोटे बना बना कर हम एक प्लेट में रखते जाएंगे ऐसे। आप इसको हथेली पे रख के भी फैला सकते हैं। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से हो जाता है। देखिए हमें इतना ही मोटा और इतना बड़ा ही बनाना है। देखिए बहुत सुंदर बन गया, ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। देखिए हमने गैस ऑन कर दिया है और तेल रख दिया है, तेल गरम हो गया है। अब हम जो ये अपाल बनाए थे इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। एक एक करके हम 3 से 4 साथ में डीप फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है। अब हम इसे एक साइड से हो गए हैं पलट लेंगे। देखिए तल चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। जो होते जाएंगे जैसे ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसे हम निकालते जाएंगे टिश्यू पेपर पे निकाल। हमें मीडियम और लो फ्लेम पे तलना है। आप अगर तेल गर्म हो जाए तो लो कर लीजिए फ्लेम, ये बहुत जल्दी टूटने लगते हैं इसीलिए बहुत सावधानी से इसे पलटिए और निकालिए। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो जैसे एक कटोरी में एक कटोरी शक्कर लिया है एक कटोरी रवे में, तो आप आधा या पौन कटोरी शक्कर भी डाल सकते हैं। उससे आपका ये जो अपाल बनेंगे वो कम मीठे बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं, बनाते बनाते बहुत अच्छे से बन जाएंगे।
देखिए अपाल बनकर तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट अपाल बने हैं। देखिए आप इसी तरह अपाल बनाइए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।